दोनों के साथ जो बड़ा मसला है या जो बड़ा चैलेंज है वो ये चैलेंज है कि बच्चे बात नहीं समझते, या जो बच्चा है उसके माइंड तक कोई भी पेन, अदब, रवैया या कोई भी आदत कैसे पहुँचाए जाए। वालदैन का कहना यह है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, बच्चे बात नहीं समझते। अक्सर टीचर्स की भी यही शिकायत होती है कि बच्चे सुनने के लिए तैयार नहीं है, बच्चे समझने के लिए तैयार नहीं है। मेरा ये मानना है कि बच्चा हर वक्त पढ़ने, सीखने और समझने के लिए बेताब रहता है। पैदा होते ही जो लर्निंग पीरियड होता है वो बचपन होता है। ये वो दौर होता है कि आप इस दौर में बच्चों के अंदर कोई भी अच्छी बुरी आदत डेवलप कर सकते हैं। बच्चा हमेशा सीखने और समझने के लिए तैयार रहता है, बस हम ही उन्हें सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते या हम ही उन्हें सही तरीके से नहीं सिखा पाते, क्योंकि हमें ऐसे टूल्स मालूम नहीं जिनके ज़रिए के बच्चों के माइंड तक कैसे पहुंचा जाए। और जब हम अपने तरीकों में नाकाम हो जाते हैं तो ब्लेम दे देते हैं कि बच्चा सीखना नहीं चाहता, बच्चा समझना नहीं चाहता। आज मैं आपको ऐसे चार बुनियादी तरीके बताऊंगी और आप चेक कीजिएगा क्या आप उस पर अमल करते हैं या वो चार टूल्स या वो चीज़ें आपकी लाइफ में मौजूद हैं या नहीं। अगर नहीं तो आप बच्चे को ब्लेम नहीं कीजिएगा, पहले खुद आप उन टूल्स का इस्तेमाल कीजिएगा और फिर चेक कीजिएगा क्या अब बच्चा आपकी बात सीखने समझने के लिए तैयार है या नहीं। अगर आपने बच्चे को कुछ सिखाना हो या कोई भी आदत बच्चे में डेवलप करनी हो तो आपको इन चार उसूलों पर अमल करना पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ हमारे चार टूल्स कौन से हैं। हमारा उसूल नंबर एक, डू इट फॉर देम, पहले खुद काम करके दिखाएं। हम अक्सर बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं, बच्चों को डांटने लगते हैं, समझाने लगते हैं कि आपने ये काम सही नहीं किया, आपने ये गलत किया, आपने ऐसा गलत किया, जबकि हम खुद पहले बच्चे को करके नहीं दिखाते। तो यहाँ हमें सबसे पहले रूल नंबर वन को फॉलो करना होगा, पहले हम खुद बच्चे को काम करके दिखाएंगे, फिर बच्चे से तवक्का रखेंगे कि बच्चा वो काम करे। चेक कीजिए कि जो बात आप बच्चे के जहन में डालना चाहते हैं या जो बात आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं, क्या पहले आप खुद उसे करके दिखाते हैं या नहीं। मिसाल के तौर पे बच्चा अपनी चीज़ें लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव होता है, वो अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करता, चाहे उसके भाई बहन हों, टीचर्स हों, वालदैन हों, बच्चा अपनी चीज़ें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता। जब आप ये देखते हैं तो आप बच्चे को डायरेक्टली डांटना शुरू कर देते हैं, लेक्चर देना शुरू कर देते हैं कि शेयरिंग करना अच्छी बात है, शेयरिंग किया करो, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, वगैरह वगैरह। यहाँ सबसे पहले आपने टूल नंबर वन पर अमल करना होगा, पहले आप खुद काम करके दिखाएंगे, पहले आप बच्चे को बताएंगे कि शेयरिंग करते कैसे हैं। जब आप खुद बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, वालदैन के साथ शेयरिंग करेंगे, बच्चा वही आदत आपके अंदर जब देखेगा तो वही काम करने लगेगा। सबसे पहले बच्चा आपको चेक करेगा कि ये वालदैन क्या कर रहे हैं, हमारे टीचर्स क्या कर रहे हैं, तब जाके बच्चे का लर्निंग प्रोसेस यहाँ से शुरू होगा। जब हमारा पहला रूल कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जब आप बच्चे को खुद से काम करके दिखाएंगे, बच्चा आपको चेक करने लगेगा, देखेगा कि आप वो काम कैसे कर रहे हैं, तो बच्चा काम करने की कोशिश करेगा। जब आपने ये देख लिया कि बच्चा स्टेप नंबर वन पर आ चुका है, सीखने लगा है, तो अब आप क्या करेंगे, हमारे रूल नंबर टू को फॉलो करेंगे, मीन्स डू इट विद देम। जो काम आप पहले खुद करके दिखा रहे थे, अब वही काम दोबारा से बच्चों के साथ मिलकर करेंगे। अब जब हम रूल नंबर टू को फॉलो करेंगे, मीन्स डू इट विद देम, जब वही काम हम बच्चों के साथ मिलकर करेंगे, मिसाल के तौर पे बच्चा सुबह जल्दी नहीं उठता है तो आप बच्चे को डांटना शुरू कर देते हैं, लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, सुबह जल्दी उठा करो, नमाज़ पढ़ा करो, नमाज़ पढ़ना अच्छी बात है, जबकि वालदैन ये काम खुद नहीं करते। तो यहाँ पे बच्चा सबसे पहले आपको चेक करेगा कि आप क्या कर रहे हैं,
फिर जाके बच्चा हमारे सेकेंड स्टेप पर आएगा। इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, रूल नंबर वन को फॉलो किया आपने, पहले वो काम को करके दिखाया, फिर आप वही काम बच्चों के साथ मिलके करेंगे, यानी कि रूल नंबर टू फॉलो करेंगे, तब कहीं जाके बच्चे का लर्निंग प्रोसेस बेहतर से बेहतर होगा। यहाँ पे जब हमारे ये दोनों रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपने ये चेक करना है रूल नंबर थ्री पे, वॉच व्हाइल दे आर डूइंग। जब आप ये चेक करें कि बच्चा काम करने लगा है और खुद से कर रहा है, तो आप जस्ट चेक करेंगे कि बच्चा काम कर रहा है या नहीं। अमूमन वालदैन में और टीचर्स में ये आदत होती है कि बच्चा जैसे ही काम करता है, गलत काम भी करता है, तो बच्चे को डांटना शुरू कर देते हैं, लेक्चर देना शुरू कर देते हैं कि इतना समझाने के बाद भी गलत काम कर रहे हैं। बच्चा लर्निंग प्रोसेस में है, बच्चे ने काम करना शुरू किया है, आप उसे देखेंगे कि बच्चा काम कैसे कर रहा है। अब हम बात करेंगे हमारे चौथे स्टेप की। चौथा और लास्ट स्टेप है, ये बहुत ज़रूरी है कि चौथे स्टेप तक पहुंचने के लिए आपने पहले तीन स्टेप्स को लाजमी फॉलो करना है। जब आप ये फॉलो करेंगे तभी आप बच्चे में सीखने और समझने की आदत को डेवलप कर सकेंगे। हमारा चौथा स्टेप है लेट देम डू देम सेल्फ, मीन्स कि जब पहला स्टेप आपने फॉलो किया कि कोई भी काम आपने खुद से बच्चे को करके दिखाया, फिर सेकंड स्टेप पे आप गए कि जब बच्चा सीखने लगा, देखने लगा, आपको जज करने लगा, तो आपने वही काम बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व करके करना सिखाया। जब बच्चा ये काम करने लगा तो आप फिर तीसरे स्टेप को आपने फॉलो किया कि आपने देखना शुरू कर दिया कि बच्चा वो काम कर रहा है या नहीं, गलत ही कर रहा है, एटलीस्ट कर रहा है, मीन्स आपकी बात समझने लगा है। जब हम तीनों स्टेप्स पे से गुजर कर आ जाएंगे तो हम चौथे स्टेप को फॉलो करेंगे, मीन्स बच्चा इस काबिल हो गया है कि वो खुद से काम कर सके। तो यहाँ पे आप इस चौथे स्टेप को फॉलो करेंगे और बच्चे को खुद से काम करने देंगे। ये हैं हमारे चार मैजिक टूल्स, इनके बगैर आप कुछ भी बच्चे के अंदर चेंजिंग नहीं ला सकते, आप अपनी बात बच्चे को समझा नहीं सकते या कोई भी आदत बच्चे के अंदर डेवलप नहीं कर सकते। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपके बदले फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।